स्टार्ट लाइक ए कॉपी कैट, एंड इज अ मास्टर, ये पता नहीं किसने बोला था। तो हम लोगों का था आप लोगों से बातें करना। दोस्त लोगों ने बोला क्रिसमस है, क्रिसमस वीकेंड है, कोई अच्छी जगह चलते हैं। सबसे पास अच्छी जगह घर के पास थी बिग बर्ड टॉयज, वो थोड़ी देर बाद जाएंगे। पहले हम लोग आए गैलेरिया। कौन कौन है? प्रतीक, राहुल, कर रहे क्या गाड़ी में? वो जैकेट सेट कर रहा है। और नितिन, चलते हैं जरा अंदर, भाई को वॉफल टेस्ट कराने, इसने खाए नहीं। ट्राई करके बता कैसा है। अच्छा ही होगा। कैसा है? मस्त है। और कुछ कहना चाहते हो? नहीं। अब इंग्लिश, डू यू सी दिस क्रिसमस ट्री? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, थर्ड पर्सन व्यू से दिखाते हैं आप लोग। आने के दो रीज़न थे। एक रीज़न था भाई को वफ़ल खिलाना था, जो हो चुका है। दूसरा रीज़न क्या था? सांता देख के। क्या करेगा सांता देख के? अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। कहाँ जाएंगे? बिग बॉय टॉयज। और जो मुझे आप लोगों से बात करनी थी वो तो घर जाके ही होगी, बाहर भीड़ में यार फील नहीं आती वाली। यार भूख लग रही है। बिग बर्ड टॉयज आने के दो रीज़न थे। पहला रीज़न, भाई ने नया नया कैमरा लिया है, हमने सोचा थोड़ी बहुत फोटोग्राफी हो जाए, जो हम लोगों को आती नहीं, हम लोग सीख रहे हैं, अभी सब सीख रहे हैं। ब्लॉगिंग मैं भी सीख रहा हूँ, ये भी फोटोग्राफी सीख रहा है। और दूसरा रीज़न्स, ये सारी गाड़ियों को देख के अपना दिल जलाना। ये गाड़ियाँ तो खरीदना एक सपना ही बन के रह सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो अपना सिनेमेटिक्स लेके ही काम चलता है। आपको थर्ड पर्सन व्यू देते हैं हम लोग। सिनेमेटिक्स स्टार्ट्स इन 3, 3, 2, 1। अब हम लोग बात करते हैं। यार बहुत आगे लग रहा है मुझे, थोड़ा पीछे करता हूँ यार। तो अब हम लोग बात करते हैं जिसके ऊपर ये वीडियो है। वीडियो है तो कुछ टाइम पहले मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे, और इन कमेंट्स को देखने के बाद मेरे को एक वीडियो का आइडिया आया, मतलब चीजें शेयर करने का आप लोगों के साथ। व्हेन आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग, मैंने आप लोगों को बताया था मेरे दो इंस्पिरेशन है, एक मुंबई कर निखिल, दूसरा इरफान जुनेजो। मुंबई कर निखिल से तो मैं मिल लिया, इरफान जुनेजो भाई मिलना बाकी है। और मैं खुला बोल सकता हूँ, मैं इन दोनों को छापता हूँ। आई एम इंस्पायर्ड बाय देम, आई लव देयर वीडियोस, द वे दे रिप्रेजेंट, द वे दे व्लॉग, द वे दे गो आउट, द वे दे डू एवरीथिंग। मैं उनकी वीडियोज में से, उनके तरीके में से छापता हूँ, बहुत चौड़े में बोल सकता हूँ ये चीज। और हाँ, मैं करता हूँ। इंडिया में या किसी वर्ल्ड में, आई गेस, मुझे तो नहीं लगता कि व्लॉगिंग का कोई स्कूल है, क्या पता आगे बन जाए, बट अभी तो कोई स्कूल नहीं है। स्कूल्स में बच्चे लोग को ABCD नहीं आती, वो लोग ट्रेस करते हैं जो लिखा होता है, डॉट्स ट्रेस करेंगे स्टार्टिंग में। धीरे 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 दे डेवलप देयर ओन स्टाइल, सबकी हैंडराइटिंग अलग होती है। इंस्पिरेशन, इफ़ यू आर इंस्पायर्ड बाय समवन, इफ यू आर इंस्पायर्ड बाय समथिंग, यू टेक द हेल्प फ्रॉम दैट पर्सन, यू टेक द हेल्प फ्रॉम दैट मेंटोर, एंड यू डू इट। तो ब्लॉगिंग को मैंने ट्रेस किया, जुनेजो भाई मुंबई कर, जीरो से स्टार्ट किया था, कुछ नहीं आता था, लिटरली कुछ भी नहीं आता था। ऐसी मुंह उठा के कैमरे पे बोला, और उसका आउटपुट मैंने देखा, मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा नई फील्ड है, थोड़ा और ट्राई करते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे करके लगभग 50-52 वीडियोस बना लिए, एंड अभी भी मेरे अंदर मेरा स्टाइल आई थिंक डेवलप नहीं हुआ है। सो अब आप लोगों को लगेगा कि कॉपी है, क्या फ़ायदा इरफान की कॉपी, निखिल को कॉपी कर रहा है, अपनी पर्सनैलिटी का है।
तो भाई धीरे धीरे पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, इतना आसान नहीं होता है। व्लॉगिंग नई चीज़ है, मेरे लिए भी नई थी शुरुआत में, कैमरा उठा के बात करना, इट्स वेरी वेरी टफ। ट्राई करके देखना कभी, और अगर ट्राई नहीं कर सकते तो इतने बुरे अनकंस्ट्रक्टिव कमेंट्स मत करा करो, बंदा डिमोटिवेट हो जाता है यार। मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए भी बुरा लगता है सुन के। MSK का जो कमेंट था, मैं पहले बता दूं, 10-15 दिन पहले से ही देखना शुरू किया मैंने MSK भाई को, उससे पहले मैं नहीं देखता था। ही इज अ रियली नाइस गाय, इज अ रियली जेन्युइन गाय, अब उनके व्लॉग्स में देखता हूँ, बट अब देख सकते हो मतलब कॉपी, मतलब मैं जानता भी नहीं हूँ जिन लोगों को, उनको आप बोल रहे हो मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है भाई आपके लिए कॉपी होगा, मेरे लिए वो लोग इंस्पिरेशन है। एंड ब्लॉगिंग इसी तरीके से होती है, कोई स्कूल नहीं है, आपको सीखनी पड़ेगी धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप होता है। एक एक वीडियोस बनाने में, मेरी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ चेंज है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो टिल हेयर, हल्का बहुत इंप्रूवमेंट मुझे भी लगता है देखने में। एंड दैट्स द थिंग आई लाइक अबाउट माई सेल्फ, आई लाइक अबाउट माई वीडियोज। और भाई कोई ऐसे तो है नहीं कि पहली वीडियो में आके अपने स्टाइल में बोल लग जाएगा, कोई बच्चा पैदा होते ही सीधा अपनी राइटिंग लिख देगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू ट्रेस एवरीवन जो आसपास ब्लॉगर्स हैं, फिर आगे ब्लॉगिंग करता हूँ। बाकी और तो कुछ नहीं यार। और हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने कपड़े लिए थे जो दिखाना भूल गया था, मैं सो गया था ब्लॉग खत्म करके, तो एक स्वेटर तो ये है, दूसरा भी लेके आता हूँ एक से, और दूसरा स्वेटर ये है, थोड़ा बहुत सिमिलर सा है बट काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। अरे हाँ एक चीज़, ये मेरी लास्ट वीडियो 2018 की, मतलब इसके बाद जो एक वीडियो होगी वो 2018 ईयर इंटरव्यू होगी। मैंने बड़े चौड़े में बोला था कि एक महीना लगा के वो वीडियो एडिट करूंगा, महीना ख़त्म होने को आया, 25 तारीख आ गई और मैंने अभी तक नहीं किया। बस और तो कोई बात नहीं थी। तो अगर यू लाइक दिस वीडियो, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, कमेंट कर देना, मतलब नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, उनको ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके जाना यार, मतलब कर दो, देख लो मर्जी यार। लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम एक अच्छी वीडियो के साथ, काफ़ी अच्छी, 3-4 दिन बाद। जहाँ हम लोगों ने कैमरा निकाल लिया, ट्राइपॉड निकाल लिया, वहाँ सारे गार्ड अपने ना ATX लगा के खड़े हो जाते हैं। भाई साहब को पता नहीं क्या दिक्कत है, हम कैमरे से बात कर रहे हैं, हमारा कैमरा हमारा फोन, पता है कैसे शूट करता है यार, समझ नहीं आ रहा कैसे चलेगा।